चोर को 84 ज्ञान। कुछ वैसा ही इस वक्त चाइना कर रहा है। चाइना पहुंचे हैं फलस्तीन के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही सुना, इजराइल के खिलाफ कौन सी बड़ी चाल चल रहा है चाइना। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस में क्या शांति करवाएंगे पीएम मोदी? जो जिनपिंग नहीं कर सका, क्या वो पीएम मोदी करेंगे? यूक्रेन आखिरकार भारत की शरण में क्यों आया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद इस बात को बताया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल, जिस देश को आप देख रहे हैं, एक समय था इजराइल और चाइना के बीच रिश्ते अच्छे थे। इजराइल और चाइना एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे। इजराइल की कई टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए चाइना बहुत ज्यादा उतावला रहता था। वैसे आपको बता दें, इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था चाइना। $50 मिलियन का व्यापार इसने 1992 में किया था, जो बढ़कर 2017 में 13.1 बिलियन में हो गया। चाइना वो देश बन गया जहां से इजराइल भी बड़ी मात्रा में चीजें खरीदता था। करीब 9.44 बिलियन की चीजें खरीदा करता था इजराइल चाइना से। ये देश वो थे इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, जो ज्यादातर चीजें खरीदते थे। इजराइल जहां 9 बिलियन का खरीदता था, तो एक्सपोर्ट सिर्फ 4 बिलियन का करता था। यानी हर जगह ऐसे ही हालात थे। चाइना ने 2012-2015 में इजराइल में पैसे लगाने तिनगुने कर दिए। अब इजराइल के किस सेक्टर में, क्योंकि चाइना समझ गया था कहां पैसे लगाने हैं। चाइना ने इजराइल के टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीब $16.5 बिलियन लगा दिया 2016 में। इसके अलावे इजरायली मेडिकल, इजरायली वेब, इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप, इसमें इन्होंने पैसे लगाने शुरू कर दिए। मई 2013 जहां नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे चाइना, और चाइना में इन्होंने एक डील साइन की थी, $400 मिलियन ट्रेड की डील। उस समय चाइना के जो अम्बेसडर थे इजरायल में, उन्होंने लिखा कि हम दोनों बहुत अच्छे से इस संसार में, इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में दोस्त की तरह आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा सहयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस क्षेत्र में स्थिरता आ रही है, शांति आ रही है। मई महीने में नेतन्याहू चाइना जाते हैं, तो दिसंबर महीने में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांगी इजराइल आते हैं, और भी कई समझौते होते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम, इस पर 2015 में समझौते होते हैं। चाइना का रेलवे ग्रुप $750 मिलियन का प्रोजेक्ट पाता है इजराइल से। एनर्जी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में दोनों एक MOU साइन करते हैं जनवरी 2016 में, कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। और आगे सुनिए, 2016 में दुनिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा ग्लास वाला ब्रिज खुलता है। इस ब्रिज की लंबाई थी करीब 1000 फीट की। चाइना के हुनान प्रांत में खुलता है। इस ब्रिज को बनाने में $3.4 मिलियन खर्च होते हैं, और इस ब्रिज को डिजाइन किसने किया था? इजरायली आर्किटेक्ट ने इसे डिजाइन किया था। चाइना की दो कंपनियां, इन्होंने जुलाई 2017 6000 चाइनीज लोगों की रिक्रूटमेंट की, जो एक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इजराइल जाने वाले थे और इजराइल जाकर वहां काम करने वाले थे। इसके अलावे बहुत सारे और क्षेत्र थे, एकेडमिक क्षेत्र, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र, इन सब में टूरिज्म, कल्चर, मिलिट्री कोऑपरेशन में भी दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। चीन इस्तेमाल करता रहा। मई 2020 13 मई को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, ये पहुंचते हैं इजराइल। यहाँ बातचीत होती है, और इस बातचीत के बाद इजराइल धीरे धीरे चाइना से रिश्ते तोड़ देता है। इजराइल चाइना के कई प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने से मना कर देता है। उसके बाद इजराइल अपना रूप ही बदल लेता है। यहाँ से इजराइल और चाइना की दुश्मनी शुरू होती है। और अब चाइना ने सबसे पहले तो UNSC में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया, जब हाल ही में गाजा और फलस्तीन के कई इलाकों में रॉकेट चलने शुरू हुए थे, और जब हमास की तरफ से इजराइल पे रॉकेटों की बरसात हो रही थी। अब मामला सिर्फ यही नहीं रहा, चीनी राष्ट्रपति
शी जिनपिंग ने 14 जून को दोपहर बाद चीन पहुंचे फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। जिनपिंग ने अब्बास की एक बार फिर चीन यात्रा का स्वागत किया। जिनपिंग ने कहा कि पिछले साल के अंत में सऊदी अरब के रियाद में हम दोनों मिले थे, लेकिन आप यहाँ आए मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें, जिनपिंग ने कहा कि अब्बास इस साल चीन की यात्रा करने वाले अरब देश के पहले नेता बन गए हैं। चीन फलस्तीन का संबंध एक बड़े लेवल पर पहुंच गया है। अब्बास यहाँ 3 दिनों की यात्रा पर पहुंचे हैं, लेकिन ये यात्रा कूटनीतिक और राजनीति से भरा पूरा है। खैर, आने वाले वक्त में चीन की चालें भी निकलकर सामने आएगी। एक चीज तो साफ हो रहा है कि चीन प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की ने अपने वेबसाइट पर कुछ चीजें पोस्ट की है, जिससे पता चल रहा है कि क्या भारत सुलह करवाएगा यूक्रेन और रूस के बीच। को बता दें, जिनपिंग रूस की यात्रा पर पहुंचे थे, वहां पुतिन से मुलाकात की। कहने को तो ये कहा गया कि जिनपिंग यहां शांति करवाना चाह रहे हैं, लेकिन मामला अटक कर रह गया, क्योंकि जिनपिंग ने एक तरीके से यूक्रेन को कहा कि तुम अपनी सारा इलाका छोड़ छाड़ कर यहां पर रूस की बात मान लो। जिनपिंग के ये कहने के बाद कथित तौर पर जेलेंस्की ने ये कहा कि हमें शांति समझौता मंजूर है, लेकिन अपनी जमीन देकर हम शांति समझौता नहीं करना चाहते हैं। इन सब के बीच G7 की मीटिंग होती है और G7 की मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और PM मोदी के बीच बातचीत होती है। और इस मीटिंग के बाद अब एक बार फिर, वैसे तो भारत ने G20 में यूक्रेन को न्योता नहीं दिया ताकि यहाँ जेलेंस्की आकर कुछ भी अपमानजनक चीजें न कर पाए, पर जेलेंस्की के ऑफिस की तरफ से फोन आया भारतीय NSA अजीत डोभाल को, और अब ये कह रहे हैं कि हमने अपना एग्रीमेंट शांति समझौता भारत को दिखलाया था और हमने कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करेंगे, एक ग्लोबल समिट आयोजन कर रहे हैं कि शांति हो जाए, और भारत की हम मदद चाहते हैं कि भारत यहाँ शांति करवाने में हमारी मदद करे। ये यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं। वैसे आपको बता दें, युद्ध जिस मोड़ पर पहुंच गया है, यहाँ के बाद परमाणु युद्ध ही शुरू होगा। ऐसे में बेहतर होगा दोनों ही देशों के लिए कि जितनी जल्दी ये एक शांति प्रस्ताव पर आकर शांति को अपना ले। खैर, इस ग्लोबल समिट में भारत जाता है या नहीं जाता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।